रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने सैनिकों को यूक्रेन में घुसने के ऑर्डर दे दिए हैं, जिस कारण रूस और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बीच कभी भी जंग की संभावना बढ़ सकती है। इस बीच भारत ने यूक्रेन व आसपास के क्षेत्रों में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए निकासी अभियान शुरू कर दिया है। मंगलवार सुबह एयर इंडिया का विमान यूक्रेन भेजा गया ताकि वहां मौजूद भारतीयों को अपने वतन सही सलामत वापस लाया जा सके। इसी महीने दो और विमानों को भारतीय नागरिकों की वापसी के लिए दोबारा यूक्रेन भेजा जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि दूसरी फ्लाइट 24 फरवरी और तीसरी फ्लाइट 26 फरवरी को यूक्रेन के लिए रवाना होगी। दरअसल सोमवार रात रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने पूर्वी यूक्रेन से अलग हुए दो शहरों डोनेस्क और लुहांस्क को स्वतंत्र के रूप में मान्यता दे दी है। पुतिन ने यूक्रेन को अमेरिका का उपनिवेश बताया और कहा यूक्रेन का शासन अमेरिका के हाथों की कठपुतली है और हालांकि रूस के इस कदम से शांति वार्ता का भी अंत हो सकता है और वॉर कभी भी शुरू हो सकता है। रूस के द्वारा अचानक दो शहरों को स्वतंत्र घोषित करने पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आपात बैठक बुलाई, जिसमें भारत ने स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि रूसी संघ के साथ यूक्रेन की सीमा पर बढ़ता तनाव गहरा चिंता का विषय है, जिससे इन घटनाक्रमों में क्षेत्र की शांति और सुरक्षा खंडित होगी। 20,000 से अधिक भारतीय छात्र और नागरिक यूक्रेन के विभिन्न हिस्सों में रह रहे हैं। भारतीयों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। वे आगे कहते हैं कि भारत दोनों पक्षों को संयम बरतने के साथ कूटनीतिक प्रयास तेज करने पर जोर देता है। हमें भरोसा है कि इस मुद्दे को केवल राजनयिक बातचीत के माध्यम से हल निकाला जा सकता है। फिलहाल रूस के दो शहरों को स्वतंत्र करने के इस फैसले से पश्चिम देशों के बीच तनाव बढ़ने की आशंकाएं गहरा गई हैं। लेकिन इस मामले का हल बातचीत से निकाला जाएगा या फिर हमले से, यह तो वक्त ही बताएगा। तब तक के हर लेटेस्ट अपडेट पर अपनी नजर बनाए रखने के लिए द वोकल न्यूज हिंदी को आज सब्सक्राइब करें।